हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभु। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए फिर से लेके आया हूं एक वीडियो एक्सेल में, कैसे हम लोग लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लॉजिकल फंक्शन में आर फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए, मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे ही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है लॉजिकल फंक्शन में। आज मैं बताने वाला हूँ कैसे हम एक साथ इफ और आर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यह भी जो हमारा फॉर्मूला है लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इफ और आर। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है, सीरियल नंबर, उसके बाद से यह कस्टमर नेम, और यहाँ पे टोटल बिल, और यहाँ पे प्रोडक्ट। मतलब यह प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है कि इन्होंने 4 प्रोडक्ट खरीदा था, कितने पैसे का, तो 10,000 रुपए का। सर्वेश चौबे ने यहाँ पे क्या खरीदा, 6,000 का। कितना प्रोडक्ट था, वह 12 था। मतलब बहुत सारे आइटम मैंने यहाँ पे क्या किया, जितना आइटम इन्होंने खरीदा है उस प्रोडक्ट को मैंने काउंट करके यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब आइए यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या कहता है, मतलब लॉजिकल, तो यहाँ पे बात आ गई तार्किक, मतलब कंडीशन इसमें दिया ही जाएगा। इफ कस्टमर बिल, मतलब क्या कहता है, यदि कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 10,000, मतलब उसका अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा होगा, अगर 10,000 से ज्यादा होगा। और एक और मेरा कंडीशन है यहाँ पे, और प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, 5 के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। अगर ऐसे कंडीशन हमारे आ जाए, दो दो कंडीशन एक बार लगाना हो, तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम दो फॉर्मूले को मिक्स करके बनाएंगे, मतलब इफ और आर। मतलब क्या 10,000 से ज्यादा भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए, किसके बराबर, या तो इसके इक्वल टू या ग्रेटर देन। तो इस कंडीशन में हम दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इफ और आर। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, आर का इस्तेमाल उस कंडीशन में किया जाता है जब मुझे, जैसे सपोज दैट मैंने क्या कर दिया, तुमसे कहा कि मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी, मतलब मोबाइल नंबर दे दो या जीमेल आईडी दे दो, मतलब दोनों में कोई एक दे देता हूँ तो तुम उस पे मैसेज भेज सकते हो। वैसा ये भी कंडीशन क्यों लगाते हैं, इसने कंडीशन लगाया 10,000 से ज्यादा और प्रोडक्ट इसके बराबर या उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन हमारा फॉलो हो जाता है, या तो 10,000 से ज्यादा या इसके बराबर या इससे ज्यादा, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट 5 के बराबर या इससे ज्यादा, या अमाउंट 10,000 से ज्यादा। मतलब इन दोनों कंडीशनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारा फॉलो हो जाता है, तो मैंने क्या किया है, जो कंडीशन दिया है डिस्काउंट 20%, तो हमारा 20% आएगा। अगर दोनों में से कोई फॉलो नहीं होता है तो हमारा वह रिजल्ट 0 आएगा। इस कंडीशन में आर क्या कहता है, या तो राम या तो श्याम, मतलब दोनों में से कोई एक चला आएगा तो हमारी काम चल जाएगा। इसी कंडीशन में हम आर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको क्या किया, डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद से हमने यहाँ पे इक्वल टू किया, और इक्वल टू करने के बाद से हमने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया ई, और ब्रैकेट को ओपन किया। अब देखिए, जैसे मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, अब पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे जब दो फॉर्मूले को मिला के मुझे बनाना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को तो ओपन किया, और यहीं पे मुझे आर को भी ओपन कर लेना है। मतलब लॉजिकल क्या देना है, लॉजिक आपको जो देना है, जितना बार आप कंडीशन बढ़ाएंगे उसमें लॉजिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ओ आर ओपन किया, और फिर से इसको ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए, कहता है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, 3, 4, 5, ऐसे हमारा लॉजिक बढ़ता जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू किया, ब्रैकेट को ओपन किया, ओ आर किया, मैंने आर का फॉर्मूला लगाया, फिर से ब्रैकेट को ओपन किया, और आर में पूछ रहा है लॉजिकल 1 दीजिए। मतलब आपका लॉजिकल 1 क्या है, मेरा लॉजिकल 1 क्या है, टोटल बिल है, तो मैंने टोटल बिल को सिलेक्ट किया। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 10,000, मैंने 10,000 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से मैंने कामा किया, फिर से पूछ रहा है लॉजिकल 2, तो मतलब अब यहाँ पे पहला तो मैंने टोटल बिल दे दिया, दूसरा क्या है, तो प्रोडक्ट है, तो मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया, क्योंकि मेरा कंडीशन ऊपर है 5 के बराबर या उससे ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया। और फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया,
और ब्रैकेट को बंद करने के बाद से अब हम कामा लगाएंगे। मतलब अब क्या हुआ, जो हमारा लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा था वो आर को, जो मैंने यहाँ पे लॉजिकल वन लॉजिकल टू मैंने फार्मूला जो अप्लाई किया है वही एक प्रकार का हमारा कंडीशन हो गया, उसे मैंने लॉजिकल टेस्ट बना दिया, मतलब कामा मैंने लगा के। अब जैसे मैंने कामा लगाया और पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब आपका ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाए या इसमें से कोई एक फॉलो हो जाए तो आपको क्या देना चाहते हैं, उसे डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं, आपको जितना डिस्काउंट देना है उतना आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा, और डबल इनवर्टेड कॉमा में मैंने 20% दे दिया, और उसके बाद से फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा बंद और कॉमा कर दिया और कह रहा वैल्यू इज फॉल्स। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो ना हो तो क्या हो, आप जीरो देना चाहते हो, किसके अलावा 2% 5% कितना देना चाहते हो। चलो अगर 20 के कैटेगरी में जो ना आता हो उसे मुझे क्या है 2% डिस्काउंट देना है। मैंने फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा और यहाँ पे 2 और परसेंटेज, मतलब हमारा कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो उसको मिलेगा 2% अमाउंट अगर उससे कम होगा या प्रोडक्ट उससे कम होगा तो। फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा और मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटर दबा दिया। देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया हमारा क्या हुआ, यहाँ पे रिजल्ट 2 बता रहा है। मतलब क्यों 2 बता रहा है, क्योंकि देखिए टोटल बिल कितना है 10,000, प्रोडक्ट कितना है 4, लेकिन दोनों जो मेरा कंडीशन है इस कंडीशन से यहाँ पे क्या होता है, यह मेरा कंडीशन है इस कंडीशन से फॉलो नहीं हो पा रहा। यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 है, देखिए इससे कम है, यह कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यह भी इससे कम है, तो मेरा कंडीशन दोनों फॉलो ना हुआ तो यहाँ पे देखिए 2% दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ा देता हूँ, मैं 12 कर दिया और इंटर बटन दबा दिया, देखिए यहाँ पे 20% आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमारा एक कंडीशन फॉलो हो गया और डायरेक्टली उसको डिस्काउंट 20% दे दिया। अगर हमारा अमाउंट यहाँ से घटाएंगे बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर कहता है दो में से कोई एक फॉलो एक कंडीशन हमारा सही हो तो भी वो कंडीशन जो आपने क्या किया है ट्रू में कंडीशन जो देना है वो हमारा रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। मैंने क्या सीखा, कैसे इफ और आर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे सबका निकालना है तो हम यहाँ से आएंगे और ड्रैग कर देंगे। जैसे मैंने ड्रैग किया अब देखिए टोटल सबका बता दिया, यहाँ पे देखिए 2% बताया, क्योंकि अब क्या है कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है इसीलिए यहाँ पे बता रहा है। अगर जैसे मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अमाउंट चेंज किया और इंटर बटन दबा दिया, देखिए फिर से यहाँ पे 20% आ गया। कैसे आर फार्मूले का इस्तेमाल करना है उस कंडीशन में इफ और आर फार्मूले का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, इफ और आर फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।